भी जाते हैं। तो दूसरा क्या तरीका होता है कि हम मतलब अभी हम जब इसकी बात करते हैं तो एसाइलेशन जो है ना, एसाइलेशन एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें हम मतलब वो कंपाउंड्स या वो सिस्टम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं जो एल्काइलेशन से नहीं बन सकते। लेट्स से कि मतलब मैं एसाइलेशन कर दूं इसका अगर मैं एसाइलेशन कर दूं तो मेरे पास ये होगा। अगर मैंने इसका रिडक्शन कर दिया, क्योंकि मैं बता चुका हूं एसाइलेशन कैसे करते हैं, एस्टाइल मतलब एक तुम एक एल्काइल क्लोराइड ग्रुप लोगे, एल्कोनिल क्लोराइड सॉरी, और उसको एलसीएल से सिलेक्शन कराओगे तो और तो तुम्हारा इस तरह का बोल सकते हो एरोमेटिक कीटोन्स आप बना सकते हो। अगर आप इसके साथ में NaDH4 और इस्तेमाल कर लो तो ये बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा मेथड होता है कि मतलब तुम इथेन बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन ये सब बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब अगर आपको ये ग्रुप बनाना है, सपोज पे प्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो भी बहुत इजिली प्रोपाइल होगा। तो ये एक हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं एसाइलेशन के लिए ये रीजेंट है। एक है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी बहुत अच्छा रीजेंट है। इन जनरल तो मतलब लैब में दोनों ही इस्तेमाल हो जाते हैं। इससे रिलेटेड एक रिएक्शन होती है स्कॉटन बोरमैन रिएक्शन, वो मैंने अभी बात नहीं करी लेकिन बहुत बड़ा रिएक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो एसाइलेशन इस तरीके से कर सकते हैं, COCH3 भी आ सकता है और उसके बाद नेस्टिक एसिड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। एसाइलेशन होता क्या है, अगेन AlCl3 इस पर अटैक करेगा, प्रॉब्लम यही अटकती है। एसाइलेशन जब हम करते हैं तो वो क्लोरीन पर अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। जैसे ही वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक करता है तो यहां पर ये मतलब यहां पर ये ठीक है, ये इस तरीके से मतलब अब यहां से क्लोरीन निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये इस तरह का कोई इक्विलिब्रियम में रहता है, ये इस तरीके के इक्विलिब्रियम में रहता है कि क्या करता है कि यहां से ये निकलता है फिर से ये निकलता है। तो कार्बन के साथ में इस तरीके के मतलब एक वो बनता है, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ये दिख रही है बस। ठीक है, और जैसे ही ये स्पीशीज बनती है तो ये बहुत रिएक्टिव है और ये वैसे रिएक्शन करता है सेम मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब वही पाई बॉन्ड जो है बेंजीन का इस पर अटैक करेगा, फिर यहां पर वही पाई कॉम्प्लेक्स जो है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। ये मेथड बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है अगर हम एल्काइल बेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं और हायर नंबर ऑफ एल्काइल बेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही वेल डिफाइंड मेथड है इन जनरल। मतलब ये मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म मतलब डायरेक्टली सीएल पर अटैक नहीं करता, ऑक्सीजन पर रिएक्ट करता है और जब उसके बाद जब AlCl4- निकलता है तब ये इस तरह की स्पीशीज बनती है। तो ये बहुत ही मतलब वो है। तो हमने इस लेक्चर में किस किस के बारे में बात करी, हमने बात करी एक लिमिटेशन फ्रीडलक्राफ रिएक्शंस की, एल्काइलेशन की, उसके बाद में हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में हमारा मैकेनिज्म क्या है फ्रीडलक्राफ एसाइलेशन का। तो मेरे हिसाब से बेंजीन से रिलेटेड सभी रिएक्शन हमने कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑरियंटेशन की बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन पे तो कौन से सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो देखते रहिए हमारे लेक्चर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।